हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई वेलकम यू इन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल उज्ज्वल संसार। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर था, जो लास्ट ईयर हुआ था कंडक्ट 2021-2022 में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, तो ऑब्जेक्टिव टाइप हम सॉल्व करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट कोड था ENG 101 और सब्जेक्ट का पूरा नाम था कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ओके, जिसका क्रेडिट आवर्स हो गया आपका 2+0। ओके, और ये आपका 60 मार्क्स का होने वाला है पेपर। और ये लास्ट ईयर तो 1.5 घंटे का हुआ था, बट ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस साल सिर्फ 1 घंटे का ही होने वाला है। ओके, और एक और बता दूं मैं आपको, ये एक क्वेश्चन जो होगा 1.5 मार्क्स का होगा। ओके, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 30 क्वेश्चन होंगे। ना, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश वर्ड टू द विस इज इनफ। इस क्वेश्चन में हमें आर्टिकल भरना है। इस क्वेश्चन के लिए एक सूटेबल आर्टिकल होगा। सूटेबल आर्टिकल इसमें 4 ऑप्शन आपसे दिए हुए हैं, इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ए वर्ड टू द विस इज इनफ। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। ओके, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। ओके, अर्जुन सेड दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर। ओके, हाँ, तो यहाँ अपना इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है ये सही होगा। अर्जुन सेड दैट, अर्जुन सेड आई वांट टू बी अ सोल्जर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये भी हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसमें क्वेश्चन आपका हो जाएगा दे टोल्ड अनुज दैट ही वॉज अ ब्रेव बॉय। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो फॉर दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे सेड टू अनुज यू आर अ ब्रेव बॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ही विल बिल्ड हिज हाउस ऑन दिस डैश। ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी साइट, ऑप्शन सी साइट एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द एबो। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, साइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही सेंट अ नोट ऑफ डैश टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं, सब बोलने में एक जैसे हैं, बट इन सबका मतलब अलग अलग है। जैसे आपका पहला है DECENT। ओके, ये वाला पहला वाला ऑप्शन ए, तो इसका मतलब हो जाएगा ईमानदार। ईमानदार कह सकते हैं या उचित कह सकते हैं, मीन्स सेटिस्फैक्ट्री। ओके, और जो आपका सेकंड वाला है DISSENT, डाइसेंट। ओके, तो इस का मतलब हो जाएगा आपका मतभेद। मतभेद मीन्स समथिंग बैड, डिसएग्रीमेंट, जिसको हम कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है DESCENT, डिसेंट, इस डिसेंट का आपका मतलब होने वाला है चढ़ाई, मीन्स क्लाइंबिंग ओवर समथिंग, या कह सकते हैं ओरिजिनेटेड, मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। ओके, और लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, डिसेंट, मतभेद। ओके, मतभेद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर डैश एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, दैट इज
साइटेड, CITED, ऑप्शन नंबर सी। ओके ना, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डस। ओके, तो फॉर दिस योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ना मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव बीन डैश टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। आई हैव बीन डैश टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। सो फॉर दिस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9। दैट इज ही वॉज डैश बाई अ स्नेक। ओके, सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। दैट इज बीटन बाय अ स्नेक। ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, मतलब सांप ने सांप से काटा गया है, सांप के द्वारा काटा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो इसमें सब कोई सब लोग कर ले जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, नाउ वी वांट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, सो फॉर दिस ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी भर जाएगा कंप्लीट। आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप डैश टू द बॉटम ऑफ द सी। ओके, सो फॉर दिस द शिप सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दैट इज चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ हमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है जिसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस ये है, दिस सम इज ईजी। ओके, और आप ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, सो फॉर दिस और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, दिस सम इज नॉट ईजी, सिंपली इसमें इसके बाद नॉट लगा दिया गया है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यू आर एडवाइज्ड टू राइट डैश अ पेंसिल। ओके, द क्वेश्चन इज यू आर एडवाइज्ड टू राइट डैश अ पेंसिल। ओके, सो इसे भी बहुत लोग कर ले जाएंगे, ये भी सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, विथ ए पेंसिल, हम पेंसिल से लिखते हैं ना इसीलिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यू मस्ट गेट रीड डैश अननेसेसरी थिंग्स। ओके, सो हियर हमें यहाँ एक फेस देखने को मिला है, दैट इज गेट रीड ऑफ। तो इससे आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा आंसर क्या होगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑफ, OFF इज करेक्ट। गेट रीड, यहाँ पे हम ऑफ भर देंगे, गेट रीड ऑफ जो है ये एक फेज है, गेट रीड ऑफ एक फेज है जिसका मतलब होता है टेक एक्शन सो एज टू बी फ्री फ्रॉम। ओके, और कहा जाए तो कोई ऐसी चीज़ जिससे आप फ्री होना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, गेट इट ऑफ। ओके, उसको हम लोग गेट इट ऑफ वहाँ यूज़ करते हैं। रिमूव समथिंग दैट यू डोंट वांट एनी लॉन्ग, जिस चीज़ की अब जरूरत हमें नहीं है, अनसेसरी थिंग, उसे हमें छोड़ देना या हटा देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लरी टाइप है बट आप लोग क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज आई डैश हार्डली हियर यू। ओके, हार्डली हियर यू, तो सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज कैन, आई कैन हार्डली हियर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमें वही करना है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज स्पीक द ट्रूथ, ये हमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है जिसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। सो यहाँ थोड़ा सा नो कर दिया, ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18।
ओके, द अपोजिट ऑफ रीसेंट इज, ओके, यहाँ पर रीसेंट का अपोजिट पूछा है आपसे, तो रीसेंट मतलब जो हाल ही में हुआ है, मतलब लगभग प्रेजेंट में हुआ है कुछ, और ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ है, हुए हुए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन हैं, देखिए लेटर, प्रीवियस, लेटेस्ट एंड प्रेजेंट, तो अपोजिट में जाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, प्रेजेंट, ओके, लेटेस्ट भी नहीं होगा, रिसेंट का मतलब अपोजिट, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो लेटर या प्रीवियस, ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ओके, दैट इज आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ आपको ये देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक जो स्पेलिंग है वो सही है, बाकी सब गलत हैं, तो आपको इसमें से वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पेलिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, ठीक है, आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई, इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 20, दे डस डोंट नो मी, ओके, दे डस डोंट नो मी इज द करेक्ट आंसर, डोंट मीन्स यहाँ पर डू लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ओके, दे डू नॉट नो मी, डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे सामने, ये रहा, नो न्यूज़ डैस गुड न्यूज़, ओके, नो न्यूज़ डैस गुड न्यूज़, ये क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर भरना है, तो इसमें इज आर हैव और हैज चार ऑप्शन हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करके हमें फिल करना है, तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ इज करेक्ट हियर, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इज नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 22, दैट इज ही वॉज अवार्डेड डैश ऑनरी डिग्री, सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एन ऑनरी डिग्री, ओके, यहाँ पर आर्टिकल बना था तो स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे एन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, बैक्टीरिया इज डैश यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ओके, बैक्टीरिया इज डैश यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सॉइल फर्टिलिटी, सो फॉर दिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ यूजफुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अ सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, दैट इज कॉटन इज मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक क्रॉप इन द वर्ल्ड, कॉटन इज डैश मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक क्रॉप इन द वर्ल्ड, ओके, इन दिस क्वेश्चन कॉटन इज द मोस्ट पॉपुलर, ओके, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक क्रॉप इन द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन ही स्टडीड डी जियोग्राफी इज करेक्ट आंसर, ही स्टडीड डी जियोग्राफी, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल इज, इसमें हमें एंटोनिम बताना है फर्टाइल का, तो डैट इज बैरन, दैट इज बैरन, बी ए डबल आर ई एन, बैरन इज अपोजिट ऑफ फर्टाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ डिस्प्रेस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्प्रेस इज, डिस्प्रेस इज, ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 27 ना, क्वेश्चन नंबर 27 द एंटोनिम ऑफ डिस्प्रेस इज, ओके, सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गैदर्ड इज करेक्ट, डिस्प्रेस का उल्टा गैदर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सिनोनिम ऑफ प्री राइस, ओके, राइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 28, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज डी के, ओके, सिनोनिम ऑफ पेरिस इज डी के, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का एंटोनिम, तो यहाँ हमें आसानी से मिल जाएगा, रिपेल मतलब होता है दूर दूर जाना, और उसका अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वेरिएबल,
और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिनोनिम ऑफ वेरिएबल. सो वेरिएबल मीन्स इट कांट बी चेंज टाइम टू टाइम. सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज चेंजेबल इज करेक्ट आंसर. ओके चेंजेबल. नाउ ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह सॉरी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही प्रेसाइडेड डैश द मीटिंग. ओके सो हियर आवर ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी दैट इज इन इज प्रेसाइडेड मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो प्रेसाइडेड मीन्स एक मीटिंग होती है, बैठक होती है. ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 32. ही सॉरी वी विल रिटर्न डैश एंड आवर. वी विल रिटर्न डैश एंड आवर. सो यहाँ बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए दैट इज इन भरा जाएगा. वी विल रिटर्न इन एंड आवर. ओके सो ऑप्शन नंबर ए इन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. वन शुड लिव डैश वंस मीन्स. ओके यहाँ पे एक आइडिया हमें देखने को मिल रहा है, लिव विद इन वंस मीन. ओके इसी से बहुत मिलता जुलता है, लिव विद इन वंस मीन्स. ओके सो तो हमें यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ से गेस कर लिया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है, और ऑप्शन नंबर बी विद इन. ओके लिव विद इन वंस मीन्स. ओके इज अ आइडियम, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू स्पेंड मोर मनी देन एनी वन कैन अफोर्ड. मीन्स सामने वाला जितना अफोर्ड नहीं कर सकता उससे ज़्यादा हम मनी उस पर खर्च कर दें इस चीज़ पे, इसका मतलब ये होता है. तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द रेनी सीजन हैज सेट डैश. ओके तो यहाँ भी एक फेज देखने को मिल रहा है, सेट ऑफ. सो आवर नेक्स्ट आंसर इज आंसर नंबर ए दैट इज ऑफ ओ डबल एफ. द रेनी सीजन हैज सेट ऑफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. वी ऑलवेज काउंट डैश योर हेल्प. सॉरी उसको ऑप्शन नहीं विजुअल हो रहे हैं. हाँ अभी विजुअल है. वी ऑलवेज काउंट डैश योर हेल्प. ओके सो हियर आवर ऑप्शन नंबर सी इज नो 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 ऑप्शन नंबर सी इज यस. वी ऑलवेज काउंट डैश योर हेल्प. ओके सो फॉर दिस आवर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑन इज करेक्ट. ओके वी ऑलवेज काउंट ऑन योर हेल्प. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 34. ओके द रेनी सीजन हैज सेट डैश. सो हियर आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेट इन. ओके सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. वी ऑलवेज काउंट डैश योर हेल्प. सो फॉर दिस आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज ऑन वी ऑलवेज काउंट ऑन योर हेल्प. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. द कमिटी डैश इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट. ओके सो फॉर दिस आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज हैज द कमिटी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37. Neither food nor water dash found there. Okay. So for this option number B is correct. Was neither food nor water dash was found there. Water was found there. ठीक है. Neither food nor water was found there. Option number B is correct. Okay. Now move on to the next question. That is now here in question number 38. That is everyone dash given a certificate. So here. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज एवरी वन वॉज गिवेन अ सर्टिफिकेट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39. सो वी हैव टू चेंज दिस इनटू दैट स्पीच. ओके ही सेड इट इज रेनिंग नाउ. सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर बी. ओके ही सेड दैट इट वॉज रेनिंग देन. सो द स्पीच इज सी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके सो फॉर दिस आवर ऑप्शन नंबर सी. ओके दैट इज सी सेड दैट she said that she was writing a letter is correct here. Okay so now we have completed our paper. Okay thanks for watching this video. Do like, share and subscribe. Okay.